गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आप देख सकते हो अभी यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ पे धूप नहीं आई। अभी अपने ब्लॉगिंग शुरू हो रखी है, अब बज चुके हैं सुबह के 8:30। फिर यहाँ पे प्लांट्स पानी वगैरह दे दिया है, पूजा वगैरह हो रखा है। सो अभी आज लग रहा है बारिश होगी, तो मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पर मैंने अपनी चाय ली है पीने के लिए, और देख सकते हो घर में पूजा वगैरह हो रखा है, दिया चल रहा है। सो अभी मैं जाऊंगी चाय पीने। ये देखिए आप, मंदिर की लाइट भी जल रही है और दिया भी जला दिया है। सो सफाई वगैरह हो रखी है, अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। बस रहेगी मेरी चाय पीने, तो पीती हूँ मैं चाय। कैसी यहाँ पे मैंने चाय लिया है, चाय के साथ है मेरे कुछ बिस्किट्स नमकीन। सो करूँगी मैं इसको इंजॉय, मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। हमारा चाय वगैरह पी के हो रखा है। सो अभी जो घर के काम थे वो सारे मेरे हो गए, मुझे मशीन लगानी थी वो भी मैंने लगा दिया। आज मौसम बहुत ख़राब था, हमें बारिश भी हो सकती है। सो चलो गाइस, अभी मुझे बनाना है लंच। सो लंच में बनाऊंगी मैं, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ लंच में। सो बनाते हैं लंच, मिलते हैं आपको लंच के बाद। लंच में मैंने बनाया था सोयाबीन पुलाव रेसिपी। सो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की आपके साथ, आई होप कि आपको अच्छी लगी। आपको पता है अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने फैमिली और दोस्तों में। सो गाइस चलो चलते हैं, अभी लंच तो हो रखा है, मुझे काटने कुछ फ्रूट्स। सो चलो काटूंगी वाटरमेलन और मैंगो काटूंगी, उसके बाद आपको मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट काट लिया, आपने देखा होगा मेरा फ्रूट टाइम था, मैंने दोपहर को फ्रूट खा लिया। अब बज चुके हैं 3:30, 3:30 बजे मैं सोऊंगी। सब बज चुके हैं शाम के 6, और यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी हूँ। और दोपहर को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, मैं सो गई थी तो शूट नहीं ले पाई। जब मैं सो के उठी थी तो पूरा बारिश हो रहा था, और अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। सो बारिश हो रहा है तो कुछ अच्छा और गर्म खाने का मन करता है, तो आज बनाऊँगी मैं ब्रेड कटलेट रेसिपी। सो चलो गाइस चलो बनाते हैं किचन में, दिखाती हूँ आपको वीडियो में कैसे हम बना रहे ब्रेड कटलेट रेसिपी। सो एन्जॉय कीजिए और कमेंट्स में बताना कैसा था हमारा ब्रेड कटलेट। तो चलो गाइस चलते हैं और बनाते हैं ब्रेड कटलेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं शाम के बज चुके हैं 6:30, और हमारी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। कल सुबह भी हो गया था मॉर्निंग को, और आज भी बहुत ज़्यादा बारिश, अचानक से तेज़ बारिश हो गया। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, वेदर बहुत ख़राब है। सो ऐसे ही 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, अचानक से बारिश आ रहा है, अचानक से मौसम ख़राब हो रहा है। कि आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि दिल्ली का वेदर मैं बता रही हूँ आपको, दिल्ली में शाम को 6:30 अचानक से बारिश होने लगी। आज सुबह मॉर्निंग को भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और उसके बाद पूरा दिन वेदर ख़राब था, लेकिन अभी अचानक से बारिश शुरू हो रखा है, देख सकते हो आप। देखा होगा बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और साथ में हमारे ब्रेड कटलेट भी बन रहे हैं। सो सारे हम ब्रेड कटलेट बना के लेते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। सो आज हम बना रहे हैं ब्रेड कटलेट रेसिपी। सो यहाँ पे हमने लिया है, इसके लिए सारी तैयारी कर ली। यहाँ पे मैंने काट के लिया है धनिया, यहाँ पे है अमचूर पाउडर या ऑर्गेनिक है जो पिज़्ज़ा ऑर्गेनिक होता है वो, या म्यूनी से मसाला म्यूनी से, या सेजवान चटनी, या कटे हुए हरी मिर्च, और यहाँ पे है प्याज। यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइस लिए है, उसको कोट करने के लिए यहाँ लिया है मैंने मैदा। और यहाँ पर हमारे आलू बॉइल हो रहे हैं, सो आलू को हम छील के मैश कर देंगे। और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो रखा है जिसमें हमने इसको फ्राई करना है। सो चलो अभी मैं ब्रेड तोड़ के ले लेती हूँ, और आलू को ठंडा करके इसको मैश करती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस इसमें मसाले मैंने और एक चीज़ ऐड की, यहाँ पे मैंने किया है लाल मिर्च,
और यहाँ पे मैंने ऐड किया है ये नमक। सो आलू को मैंने कद्दूकस करके लिया है, बड़े ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। और इसके बाद मैं ब्रेड को क्रश करके लूँगी इसमें ही। आपको जितने पीस की ज़रूरत है उतने आप ले लीजिए। सो ऐसे करके मैं अभी पीस दो डाल दूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तीसरा डाल दूँगी। सो चलो इसको भी मैं करती हूँ मिक्स, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई ये बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे हो जाए। सो चलो अभी सारा मैं कर देती हूँ मिक्स, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको मिक्स। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे हमने करना है इसको मिक्स। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हो, इसमें से आपको जो भी चीज़ स्किप करनी है आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। मुझे थोड़ा चटपटा सा खाना था इसके लिए मैंने ले लिया था। सो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको जो चीज़ इसमें ऐड करनी है आप कर सकते हो। ब्राउन ब्रेड की जगह वाइट ब्रेड भी आप ऐड कर सकते हो। सो इसका हमने हार्ड सा एक डो बना के लेना है। इसमें और एक मैं ब्रेड का पीस मिक्स कर देती हूँ, ये बिल्कुल पतला लग रहा है मुझे। इसकी टिक्कियाँ बननी चाहिए, रोल बनने चाहिए, ऐसा बैटर बना दीजिए ताकि रोल हम बना सकें इसका। सो मैं ऐसे ही मिक्स करके लूँगी। यहाँ पे मेरा ये मिक्स हो जाएगा, इसके अभी मैं टिक्कियाँ बना देती हूँ। और जब बनाने से पहले इसमें मुझे नमक चेक करना है ताकि मुझे पता लगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो चलो अभी एक बार मैं अच्छे से और मिक्स करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके हम ऐसे ऐसे करके टिक्कियाँ बना देते हैं। हम रोल बना के लेंगे, टिक्की नहीं बनाएंगे। ये देखो आपको जो शेप पसंद है वैसा शेप बना दीजिए। अभी मैं सारे टिक्के ये रोल बना के लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए सारे मैंने रोल बना दिए हैं, आपको जो शेप पसंद है आप वो शेप दे दीजिए। मैंने रोल बना के लिए यहाँ पे नहीं लिया है मैंने मैदा, इसकी जगह आप कुट्टू का भी आटा ले सकते हो। यहाँ पे हो रखा है तेल गरम, अभी इसको मैं रख दूंगी एक को इसमें, और इसको मैं ऐसे रोल रोल करके घुमाऊंगी हल्के हाथे से। हम करेंगे इसको और इसके बाद हम इसमें तेल में छोड़ देंगे, ऐसे में एक दो करके ले लूँगी। सो एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए। सो बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसी चीज़ें बहुत खाने का मन करता है, तो बाहर हो रही है बारिश, मैंने बना दिए ये ब्रेड रोल। सो इसको अभी मैं डाल देती हूँ तेल में, गैस करेंगे हम सीम। सो यहाँ पे मैंने इसको तेल में डाल दिया है। सो ऐसे ही हम सारे बना के ले लें। यहाँ पे मैंने आधे ब्रेड रोल डाल दिए हैं, चार पांच मैंने डाल दिए हैं और बाकी बचे हुए हैं। सो पहले हम इसको अच्छे से रोस्ट करके लेंगे, तल के लेंगे। इसको हमें थोड़ा टाइम ऐसे ही रखना है, इसको हमें घुमाना नहीं है। एक साइड से पकेंगे तभी हम इसको हिलाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। सो हम ऐसे ही रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे हमें लगेगा ये पकने लगे इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, देखो एक साइड से हो गए है ना, तो अभी मैं दूसरी साइड से इसको घुमा लूँगी और हल्के हाथे से करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए। कोई आपके घर में अचानक से गेस्ट आता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके घर में ऑलमोस्ट आलू तो रहते ही ब्रेड रहता है, सो उस टाइम पे आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कर लीजिए। तो इसको अभी हम और क्रिस्पी होने तक रखेंगे, गैस फास्ट नहीं रखेंगे, गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे। और साथ में अभी हम तैयारी करते हैं चाय बनाने के। यहाँ पे 10 मिनट बहुत ज़ोर से बारिश हो गई, अब बारिश रुक चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया है वेदर। ऐसी हो रहा है अचानक से वेदर ख़राब हो रहा है, अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है। सो चलो गैस गैस वगैरह की चाय बनाने के लिए बनाते हैं चाय, और साथ में मैंने बनाए ब्रेड रोल, सो करते हैं उसको भी इंजॉय। बस यहाँ पे देखिए हमारे ब्रेड रोल बन के रेडी है, और साथ में यहाँ पे मैंने दूध भी रखा है चाय बनाने के लिए। यहाँ मैं चाय बना देती हूँ और यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल बन गए। इसको मैं निकालती हूँ किसी और प्लेट में, और एक रेसिपी मैंने शेयर की ब्रेड रोल की, आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। और ये सारे मैं फ्राई करके ले लेती हूँ, जो अभी रोल डाल दिए इसमें, इसको भी मैं क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेती हूँ। यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल बन के रेडी है, तो ये बहुत अच्छे बने हैं। इसमें हमने सेजवान चटनी डाला है, इसके लिए इसका कलर ऐसा लग रहा है।
सो यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज लिया है, यहाँ मैंने रेड चटनी ली, ग्रीन चटनी, और ये है ब्रेड रोल। सो अभी हम करते हैं इसको एंजॉय। देखो हमारी बन रही है चाय, सो चाय को देते उबाल, चाय भी लेंगे साथ में। हमारे ब्रेड कटलेट बन चुके थे, हमने खा भी लिए है, बहुत टेस्टी थे, इजी और सिंपल झटपट रेसिपी था, और अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है, और हमने उसको चाय के साथ एंजॉय किया है, और आपको बनाना है तो इजी और सिंपल तरीके से मैंने सिखाया है। मिलते हैं कल नया कुछ लेके। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। चलो गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड फ्रेंड्स, बाय।